अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप सो यू ऑल आर वेरी वेल और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। आई वांटेड टू डिस्कस अ स्टोरी विद यू गाइस। आज एक मेरे पास एक पेशेंट आया और उसने बोला कि जी मुझे मेरे सोर थ्रोट है और मुझे भी एक टैबलेट अगर आप सजेस्ट कर सकें तो इस सेट के जी मुझे मेरे एक दोस्त का इसी तरह गला ख़राब हुआ था तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप एजिथ्रोमाइसिन यूज़ कर लें और उससे जो है ना आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे विद वन टैब। तो मैंने मैं एकदम शॉक पे चला गया और मैं परेशान हो गया कि यार ये कैसे हो सकता है कि आप किसी को ऐसे रिकमेंड करते हैं मेडिसिन जबकि आपको पता ही नहीं है कि वो है क्या और किस काम के लिए यूज़ हो रही है। खैर उन्होंने कहा कि जी मुझे इस तरह मेरे दोस्त ने बताया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसको बताया कि पहली तो बात यह है कि आप इसको सोर थ्रोट में यूज़ नहीं करते हैं, गले ख़राब के लिए आप इसको यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज गला ख़राब होना जो है वो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करें, आप इसको जो है वो घर पे होम रेमेडीज से भी ट्रीट कर सकते हैं। होम रेमेडीज सोर थ्रोट के लिए गला ख़राब के लिए क्या है वो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, तो काइंडली अगर आप लोग वो जानना चाहते हैं तो मेरी उस वीडियो को देख लें। खैर उसको मैंने ये बताया कि पहली तो बात यह है कि आप इसको सोर थ्रोट में यूज़ नहीं करते हैं, होम रेमेडीज से ट्रीट करना होता है। अगर फिर भी आपने कोई एंटीबायोटिक ही यूज़ करनी है और आपको अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एंटीबायोटिक तो आप जो है उसका फुल कोर्स इस्तेमाल करें और उसके लिए भी आप ऑगमेंटिन यूज़ कर सकते हैं विच इज़ रिकमेंडेड फॉर टॉन्सिलाइटिस एंड फ्रेंजाइटिस कॉमनली नोन एज सोर थ्रोट एज वेल। तो खैर आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आप एजिथ्रोमाइसिन की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो उनके पास इस चीज़ का जवाब नहीं था क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं था। सो द थिंग वाज कि माइनर इन्फेक्शंस के लिए कोई छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है तो उसमें आप एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा होता है कि मोस्टली इन पाकिस्तान और हमारे कल्चर में कि जी हम जैसे ही हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं विद एंटीबायोटिक्स क्योंकि उनका इफ़ेक्ट अच्छे होते हैं तो वो एक या दो दिन में वो ठीक हो जाता है ना, यू स्टार्ट फीलिंग बेटर और उसके बाद आप जो है ना उसका कोर्स मुकम्मल नहीं करते हैं। अब एंटीबायोटिक्स ये है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया के लिए हम दे रहे होते हैं और बैक्टीरिया जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनके अंदर भी डीएनए होता है, उनका भी जेनेटिक मेकअप होता है, वो अपने उस जेनेटिक मेकअप को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, अब जब आपने एक एंटीबायोटिक दी उसके कुछ बैक्टीरिया मर गए उस एंटीबायोटिक की वजह से कुछ बैक्टीरिया मर गए और कुछ रह गए, जो रह गए थे उनके अंदर जेनेटिक मेकअप के अंदर चेंज हो जाएगी, वो जेनेटिक मेकअप जब उनका चेंज हो जाएगा तो जब आप दोबारा उस एंटीबायोटिक को यूज़ करेंगे तो वो उसके खिलाफ उससे नहीं मरेंगे तो उस एंटीबायोटिक का असर ख़त्म हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि उन बैक्टीरिया ने एक तो खुद उस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर ली, सेकंड उसने उस रेजिस्टेंस को दूसरे जो बैक्टीरिया थे उन तक भी ट्रांसफ़र कर दिया। तो इससे ये होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। जब आप अब इस चीज़ का एहसास जो है वो पेशेंट्स को नहीं होता है क्योंकि उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो जब पेशेंट्स को उस वक्त पता चलता है जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं और उनको कोई सीवियर इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल यूटीआई हो गया, निमोनिया हो गया, कोई लंग डिजीज़ हो गई सीवियर टाइप की, कोई स्किन इशू ऐसा आ गया, ठीक है, कोई ब्लड इशू ऐसा आ गया जिसमें अब एंटीबायोटिक्स ने काम करना है, जिसमें अब एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, लेकिन चूंकि आप लोग उसका मिसयूज़ कर चुके होते हैं, एक या दो खुराकें ले चुके होते हैं अकॉर्डिंग टू यू गाइस, तो उससे ये होता है कि उस एंटीबायोटिक का असर ख़त्म हो जाता है। तो अब मेरे पास एक ऐसी रिपोर्ट भी आई जिसमें एक पेशेंट था जिसकी जो है जब उसके अंदर कल्चर सेंसिटिविटी को चेक किया गया तो पता चला कि जी उस बैक्टीरिया में तमाम एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस थी और इससे ये होता है कि एक तो मेडिकल कॉस्ट इंक्रीज़ होती है क्योंकि जब आप एक पेशेंट के को एक एंटीबायोटिक देते हैं, एक टैबलेट देते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, देन यू हैव टू चेंज अगेन एंड अगेन बिकॉज उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगी सब मेडिसिन की, तो उससे एक तो मेडिकल कॉस्ट बढ़ेगी, दूसरा ये है कि जब आपके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होगा तो उसमें जो है ना इन्फेक्शन जो है वो सीवियर होती जाएगी और
उस सीवियर इन्फेक्शन की वजह से एक पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये जो ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में जो है पेशेंट्स को हाउ नाउ उसकी होनी चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए। सो दिस वीडियो वाज अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के आप जो है वो किसी भी माइनर इन्फेक्शन के अंदर एक या दो एंटीबायोटिक्स से एक या दो टैबलेट्स यूज़ ना करें। कोशिश करें कि उनको जो है ओटीसी या आप उसको अगर घर पे किस तरह ट्रीट कर सकते हैं उस तरफ जाएं। जब आपको लगे कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है देन यू कैन गो फॉर द एंटीबायोटिक्स एंड यू हैव टू स्टार्ट द होल कोर्स एज वेल। और उसकी तमाम कोर्स मुकम्मल करने के बाद ही आप जो है उस एंटीबायोटिक को स्किप करें, उसका उसको इस्तेमाल करना बंद करें और अपनी एंटीबायोटिक्स या अपनी कोई मेडिसिन जो है वो किसी अपने फ्रेंड या दोस्त या किसी रिलेटिव को ना दें, क्योंकि उसकी वजह से आपको आराम आया था तो आपको भी जी उससे आराम आ जाएगा, ऐसा ना करें। और किसी भी मेडिसिन को स्टार्ट करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करें ताकि वो आपको आपकी बेहतरीन रहनमाई कर सकें। सो डेट वॉज ऑल फॉर टुडे, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।